एक बात समझ लीजिए, इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया, अब क्या है, क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। हम यूपी में काम कर रहे थे तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत गुस्सा नाराजगी सब निकाल देते हैं, महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है, विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए, काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं, कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चलिए, विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी, एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत, मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहां है यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूं मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है, दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए।